हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिस प्लॉट की साइज है 30x61, मतलब 30x61 प्लॉट की साइज है और ईस्ट फेसिंग है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएँ ताकि मेरा आने वाला हर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहला मेरा वीडियो जो कि मैं अच्छी अच्छी हाउस की डिज़ाइन करता हूँ वो आप देख सकते हो। और वीडियो अगर आपको ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आती है तो आगे शेयर करें यार और कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जा रहा है, फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है, प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अच्छी अच्छी डिज़ाइन देखिए। हो सकता है आप भी कभी हाउस बनाना चाह रहे हो और या आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आ जाती है तो आपको तो फायदा है ना, तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता देता हूँ। 30x61 ईस्ट फेसिंग, 30 फीट ईस्ट फेसिंग और इसकी जो लेंथ है वो 61x61 और जो विड्थ मतलब जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबवा दो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए आपका मेन गेट आ रहा है 12 फीट का, फिर कार पार्किंग आ रही है 17 फीट 1 इंच बाई 11 फीट 1 इंच, मतलब आराम से 2 गाड़ी पार्क हो सकती है। उसके बाद में यहाँ स्टेयर केस आ रहा है, यहाँ से आप अप होंगे और यहाँ डाउन हो जाएंगे जिसकी है 7x3.5 का विराम स्थल है स्टेयर केस का। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे गली टाइप रहे, मतलब 3 फीट बाई 12 फीट 3 इंच के अंदर स्टेयर है टोटल। और फिर साउथ की तरफ जगह छोटी है 2 फीट 6 इंच, मतलब 2.5 फीट, प्लस नॉर्थ के अंदर भी जगह छोटी है 2.5 फीट और पीछे छोटी है 1 फीट 4 इंच वेस्ट में। तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ जगह छोटी हुई है। तो मैं अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सामने तो पार्किंग आ गया, उसके बाद में हमारा मेन डोर आ रहा है 4 फीट का, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर ड्राइंग रूम आ रहा है 11x12 का, 11 फीट ऐसे 12 फीट ऐसे, जिसकी 4 फीट की एक विंडो पार्किंग की तरफ, 1 4 फीट की विंडो नॉर्थ जो हमने 2.5 फीट जगह छोड़ी थी बालकोनी उसकी तरफ, और उसका 1 3.5 फीट का डोर डाइनिंग और लिविंग हॉल की तरफ खुल रहा है। उसके जस्ट पास में ये देखिए 3.5 फीट का डोर है और यहाँ पर आ रहा है बेडरूम, ये भी 11x12 का है और इसकी 4 फीट की एक विंडो आपके जो साउथ 2.5 फीट जगह छोटी थी बालकोनी उसकी तरफ, और 1 4 फीट की विंडो सामने पार्किंग की तरफ जो गली नुमा बना हुआ है उसकी तरफ यहाँ जाने के लिए। उसके बाद में आपके डाइनिंग और लिविंग एरिया गया जो कि 19 फीट 9 इंच ऐसे और 15 फीट 10 इंच ऐसे है, लंबाई के अंदर 15 फीट 10 इंच और 19 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर डाइनिंग और लिविंग एरिया गया। और एक और स्टेयर केस है इसके अंदर, अंदर से आप यहाँ करेंगे और यहाँ डाउन हो जाएंगे। तो 2 स्टेयर केस है इसके अंदर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो एक अंदर की तरफ स्टेयर केस है और एक बाहर भी स्टेयर केस है, तो डबल स्टेयर केस है इस हाउस के अंदर। उसके बाद में आप ये देखिए आपका यहाँ आ रहा किचन, ये उसकी 3.5 फीट का डोर, ये किचन आ रहा है 10x10 का, सॉरी पहले ये देख लीजिए डाइनिंग और लिविंग की एक 5 फीट की विंडो नॉर्थ की तरफ निकल रही है। उसके बाद में किचन आ रहा है 10x10 का, उसकी 1 4 फीट की विंडो नॉर्थ की तरफ और 1 4 फीट की विंडो पीछे वेस्ट की तरफ। और ये देखिए इसका 3.5 फीट का डोर है और 1 3.5 फीट का 2.5 फीट का डोर बाहर निकलने के लिए, यहाँ पे ये पूरा ओपन दिया है, मतलब यूटिलिटी बोल दो कुछ भी आप इसको उपयोग ले सकते हो जगह को। 13 फीट 3 इंच बाई 8 फीट 8 इंच की जगह आपके पास एकदम खुली पड़ी है और इसके अंदर ये 4 फीट की विंडो है और इसका जिसमें जाने के लिए डोर है किचन से, ये देखिए 2.5 फीट का डोर है। उसके बाद में ये आपका 2.5 फीट का डोर एक स्टेयर केस के बाद में, ये जेस देखिए ये आपका आ रहा है कॉमन टॉयलेट, इसका 2.5 फीट का डोर है और ये 5x8 फीट एच है और 8 फीट 2 इंच ऐसे है, कॉमन टॉयलेट है 5x5.8x8 फीट 2 इंच और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन आपके जो साउथ है उसकी तरफ है। उसके बाद में 2.5 फीट का डोर है और एक बेडरूम और आ रहा है 11x12 का, 11 फीट एच है 12 फीट इसके, जिसकी 1 4 फीट की विंडो साउथ की तरफ और 1 4 फीट की विंडो ये देखिए वेस्ट की तरफ जो हमने 1 फीट 4 इंच जगह छोड़ी थी। तो ये है आपके ग्राउंड फ्लोर की बात और इसी का मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। एक बार पहले मैं ग्राउंड फ्लोर आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों और उसके पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। ये देखिए दोस्तों, एक बार जूम करके बताता हूँ, कार पार्किंग, ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग लिविंग, एक ये एक्सटर्नल स्टेयर केस, उसके बाद में ये आपकी इंटरनल इंटरनल स्टेयर केस, किचन, कॉमन टॉयलेट, बेडरूम, ओपन स्पेस या यूटिलिटी आप कोई भी उपयोग ले सकते हो। फिर से जूम करके बताता हूँ एक बार, ये देखिए दोस्तों 30x61 प्लॉट की साइज है, ईस्ट फेसिंग है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्राउंड फ्लोर को इस प्रकार डिज़ाइन किया है और मैं आपको बता रहा हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, फर्स्ट फ्लोर देख लो देखने के लिए।
ये इसका है आपका फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लान है, सेम है। ये अब बालकोनी हो गई 17 फीट 1 इंच बाई 11 फीट 1 इंच की, और स्टेयर के सेम है अप डाउन, यही सेम है 3 फीट जगह यहाँ पे, ये भी बालकोनी के अंदर शामिल हो जाएगी। और उसके बाद में ये आपका रहा बेडरूम, ये इसका 3 फीट का डोर है बालकोनी के अंदर आने के लिए, और इसके इसके एक 4 फीट की विंडो बालकोनी में, एक 4 फीट की विंडो नॉर्थ की तरफ, और इस फिर घर के अंदर जाने के लिए ये 3.5 फीट का डोर है, और ये बेडरूम है 11 बाई 12 का। उसके बाद में ये एक 3.5 फीट का डोर है, और ये स्टडी रूम आ रहा है 9 फिट ऐसे और 11 फिट ऐसे, 9 बाई 11 का आपके ये देखिए स्टडी रूम है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो बालकोनी की तरफ, और एक 4 फीट की विंडो जो हमने साउथ की तरफ जगह छोड़ी थी ओपन उसकी तरफ, तो ये 9 बाई 11 का स्टडी रूम आ गया। और उसके जस्ट पास में ये देखिए आपके कॉमन टॉयलेट है, इसका 2.5 फीट का डोर, और ये 7 बाई 6 का कॉमन टॉयलेट, इसका वेंटिलेशन 2 फीट का साउथ की तरफ है। और फिर आपके डाइनिंग और लिविंग हॉल आ रहा है 19 फिट 9 इंच बाई 15 फिट 10 इंच का, और स्टेयर के सेम अप डाउन। और उसके बाद में ये आपके वो 5 फिट की विंडो सेम है नॉर्थ की तरफ, और ये ओपन किचन आ रहा है वहाँ पे पूरा 10 फिट ऐसे है, और आप बाकी आप देख लो कितना हो रहा है, ये पूरा ओपन किचन आ रहा है यहाँ पे जो बच्चे की जगह। और इसकी एक 4 फिट की विंडो नॉर्थ की तरफ, एक 4 फिट की विंडो जो ओपन स्पेस था ग्राउंड फ्लोर पे वो बालकोनी का रूप ले लिया है, तो 13 फिट 3 इंच बाई 7 फिट ये आपकी बालकोनी हो गई, जिसकी जिसके अंदर एक 4 फिट की विंडो, और उसके अंदर जाने के लिए किचन है, तो मतलब किचन की तरफ बालकोनी है, प्लस जो पार्किंग थी वो भी इस बेडरूम के लिए बालकोनी काम आ रही है। और उसके बाद में ये आपके बेडरूम आ रहा है, इसका 3.5 फिट का डोर है सेम 11 बाई 12 का बेडरूम है, और 4 फिट की विंडो साउथ की तरफ, और एक 4 फिट की विंडो पीछे वेस्ट की तरफ। और उसके अटैच के अंदर यहाँ पे टॉयलेट आ गया 5 फिट 8 इंच बाई 8 फिट 2 इंच का, उसका 2.5 फिट का डोर है, और इसका वेंटिलेशन भी 2 फिट का आपके साउथ की तरफ है जो हमने 2.5 फिट जगह छोड़ी थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके हो गया फर्स्ट फ्लोर प्लान, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और मैं अब आपको इसको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया है, बालकोनी, बेडरूम, ओपन किचन, अटैच टॉयलेट, इंटरनल स्टेयरकेस, डाइनिंग और लिविंग हॉल, कॉमन टॉयलेट, स्टडी रूम, बेडरूम, बालकोनी। फिर से बताता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और उसके पास वाली बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यारों। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइन की है। अगर ये आपको डिज़ाइन पसंद आती है तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है यार, उसको तो करना ही है, भूलना मत, और उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना। चलिए दोस्तों, थैंक्स।